गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस ब्लॉग का डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देती हूँ। मतलब मुझे जाना था अमृत उद्यान। टाइटल से आपको पता चल गया है, ब्लॉग में भले ही मैंने ये बोला है कि हाँ मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी, बट टाइटल से आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइप का बनाया है मैंने, जिसमें मैंने अमृत उद्यान के बारे में सारी चीज़ें बताई है कि आप वहाँ पे कैसे जा सकते हो, टिकट्स कैसे हो सकती हैं, और मतलब जो भी है सब कुछ बताया है। इट्स जस्ट दैट कि मैंने उससे रिलेटेड डिटेल्स डाली हैं वीडियो में, तो आप पॉज करके पढ़ लेना सारी चीज़ें। एंड उसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने वहाँ देखी वो बहुत मतलब बहुत अच्छी थी। पूरा वो जो गार्डन था ना वो बहुत सारे फूलों से भरा हुआ था, मतलब अलग अलग तरीके के फूल थे वहाँ पे, 138 तरीके के तो रोजेस थे वहाँ पे। वो बात अलग है कि हमें उतने तरीके के दिखे नहीं, मतलब बहुत बड़ा एरिया था तो पूरा घूम पाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। एंड या तो इस ब्लॉग में आपको वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करो। ओके अब आप ब्लॉग देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल मैं कहीं तो जा रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी, ठीक है। बस आप मेरे साथ साथ चलो। ओके ये मैंने ऐसा कुछ पहना हुआ है, पूरा लुक आगे वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। आई नो इस वीडियो के इंट्रो मैंने बहुत लो उसमें लिए, बट आई एम सो एक्साइटेड। मैं कहीं तो जा रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ आपको लेके चल रही हूँ। प्लीज चलो मेरे साथ। पूरा लुक बाद में दिखाती हूँ गाइस। अगर जो इस स्टेशन पे आया होगा उसको पता होगा कि कौन सा स्टेशन है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। मैं सबसे पहले नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से मयूर विहार फेज 1 पे आई। अब यहाँ से सरोजनी नगर का जो स्टेशन है मुझे वहाँ जाना है। पहले मैं जाऊँगी सरोजनी नगर, उसके बाद एक बेस्ट वाली जगह जा रही हूँ आज मैं। बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं वहाँ जा रही हूँ पहली बार ज़िंदगी में, तो या आई एम हैप्पी। अभी मेट्रो आने में टाइम है तो थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ। मिलती हूँ आपसे तब जब मैं सरोजनी पहुँच जाऊँगी। अभी गाइस सरोजनी नगर स्टेशन, अभी मैं वॉशरूम में आई हूँ क्योंकि अभी ऊपर चढ़ के जाना है तो बहुत मन का, अभी मार्केट भी घूमना है तो इसलिए मैं पहले वॉशरूम में आती हूँ उसके बाद जाती हूँ। चलो अब आपको मार्केट दिखाऊंगी। गाइज दिस इज द डेस्टिनेशन जहाँ मैं जा रही हूँ आज, अमृत उद्यान। और मतलब ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, तो अब चलो मेरे साथ। ये है हमारा अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है, एंड ये लाइक इसका जो इतिहास है वो आप पढ़ लो। मुगल गार्डन इसका नाम कैसे पड़ा वो आप देख लो, आप लोग पॉज करके इसे पढ़ते जाना। एंड मैं ये सजेस्ट जरूर करूँगी कि एक बार तो आपका यहाँ का ट्रिप बनना चाहिए। और ये ना सिर्फ लाइक फरवरी और मार्च में खुलता है, एंड यहाँ जाना और मतलब जितने भी नए नए फ्लावर्स हैं, नए नए तरीके की गार्डनिंग है, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, देख के इतना अच्छा लगता है ना। और वहाँ पे एनवायरमेंट भी काफ़ी ऐसे लाइक ग्रीनरी टाइप का रहता है, तो वो चीज़ देख के आँखों को बहुत अच्छी लगती है। जैसे ग्रीनरी जैसे नेचर बहुत पसंद है वो यहाँ पे ज़रूर जा सकता है। ट्यूलिप वगैरह जो फ्लावर्स मतलब हमें यहाँ रेयरली देखने को मिलेंगे वो उस गार्डन के अंदर है, अमृत उद्यान के अंदर है, तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। गाइस सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन से एग्जिट लेते ही आप अगर स्ट्रेट बिल्कुल आएंगे तो आपको ये रेल भवन भी देखने को मिलेगा। लाइक दिल्ली की ये जो सड़क थी ना ये मुझे बहुत प्यारी लग रही क्योंकि एकदम नीट एंड क्लीन सड़क थी एंड ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। ऊपर से ये धूप तो थी बट ये धूप लग नहीं रही थी, बहुत ऐसे माइनर सी धूप थी, लाइक देखने में धूप थी बट बॉडी उसको बियर कर ले रही थी ऐसी धूप को। तो ये है रेल भवन जिसके साइड से मैं चल रही थी, एंड ये पूरा एरिया जो है वो लाइक राष्ट्रपति भवन के आसपास का एरिया है क्योंकि इस एरिया पे वहां पे अभी आपको पेडेस्ट्रियन दिखाऊंगी, वहां पे लिखा हुआ डेडिकेटेड टू लाइक समथिंग, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, आपको ब्लॉग में आगे दिख जाएगा। फिर यहाँ से सामने ही राष्ट्रपति भवन का वो पूरा एक लाइक गुम्बद जिसे बोलते हैं हिंदी में गुम्बद बोलते हैं, इंग्लिश में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो दिख रहा था। एंड यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अकेले घूमने में बहुत मजा आता है ऑब्वियसली क्योंकि अपनी मर्जी से कहीं भी चल सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो, कहीं भी खुश हो सकते हो, कहीं भी जो मन अच्छा करे मतलब मन करे वो कर सकते हो।
तो यहाँ अकेले घूमने में मेरे को बहुत मजा आया। बट ये है कि मुझे कुछ लोग बहुत अच्छे मिल गए थे जिन्होंने कैमरा लाइक होल्ड करके और मेरी छोटी सी वीडियोज़ वगैरह बना दी थी हर जगह पे, तो वो मेरे लिए बेस्ट था। एंड यहाँ पे ये पूरा रेल भवन का एरिया था, एंड ये रहा पार्लियामेंट हाउस के लिए डेडिकेटेड लेन है ये पूरी। सो यहाँ पे मैं आई थी वॉशरूम ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले गाइज, अमृत उद्यान भवन की टाइमिंग 2 से 4 की है, एंड बस मुझे वहीं जाना है। अचानक ही मेरा मन किया तो मैं आ गई, एंड मुझे पता भी नहीं था कि रास्ता कैसा है क्या नहीं। मैंने यूट्यूब पे एक बार देखा था तो मेरे को लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, कुछ तो अलग कवर करना चाहिए ना, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ खड़ी हूँ। थोड़ी देर में मैं ऑटो लेके जाऊँगी वहाँ पे जहाँ पे जाना है हमें, अमृत उद्यान भवन। ओके गाइज, आप अमृत उद्यान के अंदर खाने पीने की चीज नहीं ले जा सकते, और आपको बैग भी अंदर यहीं पे जमा करना पड़ेगा। क्लॉक रूम दे रखा है यहाँ पे बहुत सारा, सो एंट्री करते वक्त, और हाँ लाइक अगर आपके पास टिकट्स हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी आके ले सकते हो। व्हाइट कैंप्स लगते हैं यहाँ पे, वहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो। सेंट्रल सेक्रेटरीट जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आके गेट नंबर 4 से एग्जिट करके शटल में ऑटोज मिल जाते हैं 20 रुपीज़ में, मतलब आपको यहाँ अमृत उद्यान तक छोड़ देंगे गेट नंबर 35 पे, फिर वहाँ से आप एंट्री ले लो। तो मेरे थ्रू आपका उद्यान भवन का सफर शुरू करते हैं। यहाँ पे है ये जो वॉल, ये डेडिकेटली मतलब कुछ गिने चुने 4 तरीके के जो फूल थे उन्हीं से भरी हुई थी, एंड ये पूरी वॉल छोटे छोटे गमलों में लाइक पेड़ जो है उनको लगा के इसको क्रिएट किया गया था, लाइक देखने में बहुत अच्छा लग रही थी। उसके बाद ये रहा राष्ट्रपति भवन जस्ट सामने, अभी ये थोड़ा दूर पे है, मैं इसे जूम करके दिखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसके बिल्कुल पास चली जाऊंगी, वो आप आगे देखना वीडियो में। एंड यहाँ पे थोड़ा पानी पीने के लिए जो जगह बना रखी थी वो था, इसके थोड़ा सा आगे जाते ही बहुत सारे फ्लावर्स बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखो ये है लाइक लिटरली पूरी इतनी धूप जैसी दिख रही है, लेकिन धूप थी नहीं, एंड हर जगह पे अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के फूल थे। अभी ये जो सामने आपको दिख रहा है वो अमृत उद्यान ऐसे लिखा हुआ है, एंड उसके आगे ट्यूलिप का फ्लावर बनाया गया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, लिटरली देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। एंड अभी आगे भी आपको ऐसे कुछ फ्लावर्स मैं दिखाऊंगी, कोशिश की है मैंने कि मैं दिखा पाऊँ, खुद से नहीं कैमरा होल्ड किया था इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा पाई, बट स्टिल मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से दिखाऊँ। ये देखो ये बहुत प्रिटी लग रहा था, कैमरा इसको जस्टिस नहीं कर पा रहा, लेकिन सामने से देखने में सीरियसली बहुत अच्छा व्यू था। ये देखो जितने भी फ्लावर्स है इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर, पूरी लेन में सिर्फ आपको फ्लावर्स ही दिखेंगे, पूरी गार्डनिंग मतलब पूरा ये मुगल गार्डन था ना, लाइक अब तो इसे अमृत उद्यान बोलते हैं, पहले ये पूरा मुगल गार्डन था, राजाओं का गार्डन एक तरीके से। सो ये बहुत अच्छा सजाया गया है, एंड अभी जब आप आगे वीडियो में देखोगे तो आपको ट्यूलिप के फ्लावर्स भी दिखेंगे बहुत ही छोटी सी स्लो मोशन के साथ। एंड ये रहा वो ट्यूलिप गार्डन, लाइक ऐसा कई सारी जगह पे था, बट यहाँ पे ये जो पर्पल वाइट पिंक वॉयलेट कलर के फूल थे ना यार, वो बहुत सुंदर देखने में लग रहे थे। मेरे को आज भी मतलब ऐसे एडिटिंग करते वक्त लग रहा है काश मैं फूल में ले पाती, बट ठीक है कोई नहीं, देखने में लेकिन बहुत प्यारा था, आंखों को मतलब ऐसे मस्त व्यू देने वाली चीज़ थी, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इस लेन से थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है लाइक अमृत उद्यान का एक ऐसा पार्ट जिसे बोलते हैं म्यूजिकल गार्डन, लाइक यहाँ पे ना फाउंटेन जो है वो जो गाने बजते हैं जो म्यूजिक की रिदम होती है उसके अकॉर्डिंग पानी को जो कहते हैं फ्लो करवा रहे थे, तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैं म्यूजिक इसमें कवर नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट आ जाता। एंड उसके बाद लाइक उस फाउंटेन के एरिया को कवर करने के बाद जब थोड़ा सा आगे हम आते हैं, लाइक ये एरिया भी फाउंटेन वाला ही एरिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, लाइक यहाँ पे उस दिन बहुत भीड़ थी तो धीरे धीरे सब कुछ कवर कर रही थी मैं। फाउंटेन लाइक म्यूजिकल गार्डन के बाद हम लोग गए थे रोज गार्डन में, जहाँ पे मतलब 108 तरीके के रोज, वैसे वो बोलते हैं उतना हम कवर नहीं कर पाए थे, उतना मैं नहीं देख पाती। ये है वो गार्डन, लाइक यहाँ पे एंट्री करते ही
आपको सामने दिख जाएगा राष्ट्रपति भवन। एंड ये अभी भी दूर है, इसके बहुत करीब गई थी मैं, अभी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। मेरे को देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि ये तो मैंने शायद न्यूज़ में ही देखा था, लाइक न्यूज़ में हम देखते थे राष्ट्रपति भवन ये वो, लेकिन इसके बाद मैंने सामने से देख लिया था। एंड यहाँ पे ये फ्लावर्स देखो, एंड फ्लावर्स के अलावा एक और अच्छी चीज़ ये थी कि क्लीननेस, लाइक मतलब वहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं थी, साफ सफाई बिल्कुल एकदम अच्छे से, और सारे ही गार्डन के जितने भी एरिया थे सब में पुलिस वाले अंकल लोग थे, सब में हर जगह पुलिस के लोग थे, ताकि लोगों को वो मतलब गाइड कर सके कि कोई भी गलत चीज़ें लाइक फूलों को तोड़ना या पेड़ों को नुकसान पहुंचाना ऐसी कोई हरकत ना करे। यूजुअली बच्चे कर देते हैं, तो ऐसी कोई हरकत कोई ना करे, इसलिए वहाँ पे हर जगह पे पुलिस के लोग थे, लाइक बहुत अच्छा था। पर भीड़ बहुत थी गाइस, मतलब भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। एंड या दैट्स इट। और हाँ, एक दिन जिस दिन मैं गई थी उस दिन पर टोटल 20,000 से ज़्यादा लोग थे इस टाइम, मतलब मेरे साथ इस पूरे गार्डन में 20,000 से ज़्यादा लोग थे, पूरी लेन में पूरे गार्डन में 20,000 से ज़्यादा लोग थे सॉरी, वहाँ पे काउंटिंग होती है। और ये आगे में बिल्कुल जस्ट सामने राष्ट्रपति भवन के। चलो आ जाओ, गाइस हम लोग रोज गार्डन में हैं और यहाँ पे गुलाब की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मजा आ रहा है एकदम। इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मतलब मैंने वीडियो पे क्लिक करना भूल गई थी, मैं बहुत देर से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं भूल गई थी। मैं ये बोल रही थी धूप बहुत तेज थी, बट स्टिल ये धूप इतनी पता नहीं चली, और मज़ा आया पूरा ये घूम के। पूरा फूलों से भरा हुआ गार्डन है और अभी मैं राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अमृत उद्यान के बारे में जो भी मैंने बताया, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा वो मैंने वीडियो में लगा ही दिया था, ऐड कर ही दिया था। उसके अलावा बेसिक सी चीज़ है, हर साल फरवरी और मार्च में मतलब ये ओपन होता है, फैमिली के साथ जाने के लिए बहुत 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 अच्छी जगह है, सोलो भी आप जा सकते हो, सोलो में ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एंड या बस दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर इस व्लॉग को आपने चैनल सब्सक्राइब करके
तब देख रहे हो तब तो थैंक यू सो मच, और अगर बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। एंड अभी ना एक बहुत पुरानी सी मेरी मेमोरी है, लाइक पारुल यूनिवर्सिटी में धूम का लाइक फंक्शन हुआ था। धूम एक बहुत बड़ा इवेंट है पारुल का, सो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वो जो वीडियो है वो पार्शली नहीं फुल्ली ब्लॉक्ड है यूट्यूब से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गाने थे जो कि मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए थे, जो कि हमारे लाइक जो जिसमें हमने परफॉर्म किया था वो गाना ऐसा था कि उस पर कॉपीराइट इतना गंदा वाला लगा है ना यूट्यूब की तरफ से कि अब उस पर मतलब कुछ नहीं हो सकता, वो फुल्ली ब्लॉक्ड है, तो मुझे उसे रीशेड्यूल करना पड़ा राइट। लाइक मतलब मैं उसका कॉपीराइट का जितना भी कंटेंट है उसको हटा के एंड देन उसको रीशेड्यूल करूँगी, दोबारा उसे पोस्ट करूँगी, तो इस ब्लॉग के बाद आप वो ब्लॉग ज़रूर देखना, ठीक है।